ये वाली ड्राइंग है हमारे पास, इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ व्यू है, एक तो टॉप व्यू है, एक फ्रंट है और एक साइड व्यू है। और साइड व्यू जो है वो सेक्शन है, सेक्शन फ्रॉम ए ए, यू कैन सी हियर। एंड वी हैव वन मोर डिटेल व्यू विच इज़ फ्रॉम दिस फ्रंट व्यू, ए ए इज़ आवर डिटेल व्यू। यहाँ से देखिए ये दिख रहा है आपको, एंड दिस इज आवर दिस सेक्शन, सॉरी दिस सेक्शन फ्रॉम दिस साइड व्यू। तो यहाँ पे होल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले टॉप से बनाएंगे, इसे पूरा टॉप से बनाइए, और इस वाले सर्किल को भी टॉप से बनाएंगे। और कुछ यहाँ पे होल वगैरह हैं तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे या फिर रिवॉल्व से कट करेंगे, तो देखते हैं। और रिब के लिए मैं फ्रंट से लाइन बनाऊंगा, और तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, होल बचे हैं वो भी साथ में बनाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके करते हैं, एक प्लेन को सिलेक्ट करके और स्केचर में आने के बाद रेक्टेंगल ले लेते हैं सेंटर पॉइंट से, और इसकी डायमेंशन करनी है और फिलेट भी करना है। तो फिलेट है 12 का, नहीं फिलेट है ये है 16 लग रहा है, तो चैम्फर फिलेट लेते हैं 16। और अब डायमेंशन में चले जाते हैं और डायमेंशन लेते हैं, लाइन टू लाइन ले लीजिएगा, और ये है टोटल 180। और यहाँ से 90, और इसका सेंटर मिलाना है ये पॉइंट इसके साथ, और ये एक साथ। कुछ सर्किल भी हैं, सर्किल है 12 का डायमीटर 4, ये है इसका सेंटर 12 का डायमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है। अब एक बीच में भी सर्किल चाहिए बड़ा वाला, तो सेंटर से लेते हैं और क्लिक, और ये यहाँ तक ही जा रहा है। अगर मैं इसे चेक करता हूँ 84 डायमीटर, 84, ओके 84 कहाँ से मिला मुझे, ये वाला 84 यहाँ पे दे रखा है, एक बाहर का है फिर एक यहाँ का है। तो इधर वाले व्यू में आते हैं और यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो मुझे कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये टच कर रहा है इसलिए मैं इसे बिल्कुल लास्ट का ही लूँगा। और कितना है लास्ट, 90, तो आप इसे 90 रखिए। इसे फिनिश कर देते हैं, एक्सट्रूड इंफा की जगह कनेक्टेड करिए, और ये सर्कल भी, डाउन साइड कर देता हूँ। और ये है 18 लग रहा है, 16 है ये, इसकी थिकनेस इधर से 25 ऊपर तक है, चलिए तो चाहिए नहीं, ये ही है जो कि 18 है, तो इसको लेते हैं 18। इसके बाद देखिए ये जो है ये पूरा एक्सट्रूड हो रहा है ऊपर तक, ये वाला ये एक्सट्रूड ये है हमारे पास, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्रंट वाला ये वाली शेप है, तो मुझे ये नहीं, मुझे पूरा चाहिए। और ये है 111 है टोटल फ्रॉम बॉटम, तो ये 16 जो हमने लिया था इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। और एक और काम कर सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं पहले वाले एक्सट्रूड, इसे डबल क्लिक करिए, इसको रिवर्स ऊपर ही जाने देते हैं। और इस सर्कल को लेता हूँ और ये है 111, और ओके यूनाइट अपने आप ही हो रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया है, ये कंप्लीट हो गया बॉटम को। अगर रिब अगर चाहते हैं तो पहले रिब ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्केच और फ्रंट प्लेन
ओरिएंट कर लीजिएगा व्यू को। आप दो बनाना चाहते हैं कि एक बनाना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर ही है, आप देख लेना। एक मिरर करना चाहते हैं तो मिरर भी कर सकते हैं। तो मैंने एक लाइन ये बना दी है और इसकी डायमेंशन कर देते हैं 51। और यहाँ से ये पॉइंट 45, तो ये प्रॉपरली मैच हो गया होगा। क्लोज कर देते हैं और यहाँ से ले लेता हूँ मैं रिब, इसको सिलेक्ट करिए, 8 इसकी विड्थ है। कर गए ये और 8 और ओके। अब इसे मिरर करना चाहते हैं तो स्केच के साथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और मिरर ले लेता हूँ मैं, मिरर फीचर, मिरर प्लेन मेरा ये है, ओके। देन अब ये आगे का फ्रंट का जो बना हुआ है ये सिलेंडर, ये वाला जो सिलेंडर है ये वाला हम लेते हैं और ये लेंगे हम साइड व्यू से, ओके। और इसकी डायमेंशन कुछ तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और कुछ के लिए मुझे इधर से देखना पड़ेगा, ये रहा ये वाला, इसी की ही डायमेंशन दे रखी है। तो चलिए ऐसे करते हैं, सर्कल ठीक है, 60 का डायमीटर है। और जो छोटे सर्कल हैं ये जो होल्स हैं इनका कहीं BCD 45 है, और जेंट्री लाइन कर देते हैं। अब इसकी पोजीशन आती है, ये तो लेंथ है वो मैं देखता हूँ अभी, और यहाँ से ये 45, तो ये जो छोटे वाले होल हैं ये हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ ये रहा 4, M8 का है, तो यहाँ ये बनाते, चलिए सर्किल को छोड़ देता हूँ खाली में, M8 हम हाथ से बना लेंगे। और 22 इसका डीप है, इसकी पोजीशन अभी पोजीशन चाहिए भी, वो पोजीशन भी नहीं हुई है, तो ये है यहाँ से 81। और कितनी हाइट पे है ये हमें चेक करना है, ये है 60 और 50 लग रहा है, तो 50 ले लेते हैं। पर ये अभी मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है, तो मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। 81 आखिरी तक है और मुझे 20 तक चाहिए जो कि इससे मैच होता हुआ आ रहा है, 45 से मैच करता हुआ आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो है ये 45 हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, अभी सही लग रहा है, ऐसे करते हैं फिनिश। और इसमें से ऐसे कर लीजिए आप एक्सट्रूड, और सिमेट्रिकल करके ये है हमारे पास 50, 30, 60, 110। तो सिमेट्रिक लेंगे 55,
बोथ साइड यूनाइट। ओके ओके ये सब आ गया मेरा। यहाँ पे होल है और होल के साथ भी मुझे देखिए बीच में थोड़ा बड़ा है, साइड से थोड़ा छोटा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो जो अंदर वाला सर्किल था ये बड़ा वाला जो है ये 45 का है, ठीक है, और जो छोटा वाला वो 30 का, तो 30 का पहले कट कर देते हैं। तो इसे वायर फ्रेम में करिए और एक्सट्रूड किए छोटा वाला सर्कल और बोथ साइड, और इसे सब्सट्रैक्ट रखेंगे। ओके कट हो गया होगा। एक सर्किल और चाहिए जो कि बीच में चाहिए मुझे, और बीच में 50 तक कट करिए और 45 का सर्किल है। तो या तो दोबारा से बना लीजिए या फिर एडिट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो मैंने डबल क्लिक किया और एक सर्किल और लेते हैं 45 का डायमीटर का। वायर फ्रेम किया और फिर से एक्सट्रूड, और 45 वाला ये है और 25 और बोथ साइड विद सिमेट्री और ओके शेडिंग ऑन कर लीजिए, ये देखिए। ओके तो ये मेरा ठीक आ गया है। और होल की बात आती है अभी, तो होल के लिए मुझे पोजीशन चाहिए, ये वाले 4 होल चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे आप होल, और यहाँ से M8 का चाहिए, M8 और इस फेस पे क्लिक किया और इसकी पोजीशन करते हैं, ठीक है। एक लाइन ले लीजिए और मिला देते हैं। अब डायमेंशन 45 क्लोज, और ये है कितने भी से 45 के BCD पर है, 45/2 इसका रेडियस हो जाएगा। और ये लाइन जो है चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है, तो लाइन को कर दीजिए रेफरेंस का और फिनिश। ओके तो ये M8 का मैंने लिया है और वो आना है 22 तक, वैल्यू 22 और अप्लाई ओके। इसको पैटर्न करना है और फिर मीटर करना है। फोर ओके मीटर प्लेन ये हमारा हो गया है, ये रिप हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ से होल ले लेते हैं, और ये जो होल है ये हमारा काउंटर शैंक वाला है। तो यहाँ से आप सिंपल लीजिए 78 और 90 का एंगल और 72 ओके, और इस पॉइंट पर क्लिक। डेप्थ इसकी 50 ले रखी है, लेकिन 50 नहीं कम कर देते हैं, सिर्फ कुछ 30 कर देता हूँ या 30 से भी कम कर दीजिए और ओके। अब मुझे यहाँ पे चाहिए और ये बॉटम फ्लैट चाहिए था, तो इसे डबल क्लिक करिए, इसका बॉटम 0 करके फ्लैट हो गया, और ये सिर्फ 22 है तो आप इसे 22 रखिए ओके। फिर स्केच करते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सर्कल चाहिए, ये जो अंदर का है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको देखते हैं। तो इसको 80 ले लेते हैं
होल में जाएंगे तो होल से ले लीजिए सिंपल, और ये पॉइंट 80 का, और ये जो है ये डेप्थ लेनी है मुझे, ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये आएगा 64। ओके अप्लाई, और ऊपर से लिया है इसलिए सब कट करता हुआ चला गया है, तो मैं इसे लेता हूँ डबल क्लिक एडिट। तो ये तो इसे पूरा फिट कर रहा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसे भी डिलीट करिए और सर्कल से ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, यहाँ से ले लेते हैं 80 का डाया, एक्सट्रूड 64, रिवर्स सब्सट्रैक्ट। ओके आप बॉटम वाले फेस पे आ गए, और बॉटम वाले पे है मेरे पास एक और सर्कल, सर्कल है 50 बनाया, इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, रिवर्स ये 9, ओके एक होल हो रहा है होल, होल है M30 का, तो यहाँ से होल थ्रेडिंग होल M30 और डेप्थ थ्रू है तो ओके। अब फ्रंट वाला ये ग्रूव बना लेते हैं, सर्कल ले लीजिए और ये बिल्कुल एंड पे है 3 का रेडियस। थ्री का रेडियस 6 का डायमीटर और पोजीशन इसकी ऊपर से, देखिए ये वाली पोजीशन चाहिए, इसकी पोजीशन मुझे कहीं मिल नहीं रही है। 22 का हाफ 11 कर देता हूँ मैं तो मिडिल आ जाएगा 9, और फिर 12 बैठता है, 12 लेते हैं तो फिनिश, रिवॉल्व कट। होल है यहाँ पे 3 का डायमीटर का,
सिंपल थ्री, और पोजीशन है कुछ यहाँ पे, और डिस्टेंस के लिए फोर है, ये 84 का हाफ रहेगा 42। एग्जिट नाइन और ओके, इसको मीटर करना सर। फोन को सिलेक्ट करेंगे प्लेन, अब देख लेते हैं एक ये बचा हुआ है जो कि है यहाँ से 81, तो एक प्लेन ले लीजिए रिवर्स साइड ओके, इसे सेलेक्ट करके स्केच करेंगे। ओरिएंट करते हैं व्यू को, ये है सर्कल 30 का डायमीटर, सेंटर भी आ रहा है इसके, वर्टिकली अलाइन, एग्जिट और एक्सट्रूड कर देते रिवर्स अप टू नेक्स्ट ओके, और इसे यूनाइट करेंगे, यूनाइट रखिएगा। एक होल है इस पे, होल है M10 का, तो होल में जाएंगे, M10 सिंपल होल ओके, और है कितना ही कटा हुआ ये पूरा, तो नो प्रॉब्लम ओके। स्केचेस को हाइड कर लेते हैं,